वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू कमिंग्स कुकिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्यूब से रिलेटेड कुछ समझ कर आया हूँ, जिसमें क्यूब बनाना सिखाया जाएगा। यदि आपने ये ट्रिक सीख ली दोस्तों, तो बहुत इजीली आप क्यूब बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत करूँ। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्यों अर्थात घन, घन बनाने के लिए ट्रिक के थ्रू हम घन बनाएंगे, जिसमें घन बनाने की ट्रिक्स को हम फोर कैटेगरीज में से क्लासीफाइड कर लें। चार भागों में इसका बांटा गया है। फर्स्ट, स्टार्ट विथ वन, ऐसे नंबर्स जिनकी शुरुआत वन से होती है, इसलिए द हाई अंक पर वन आता है, उन सबके पूछ रहा। सेकेंड हम सीखेंगे ऐसे नंबर्स जिनका एंड वन से होता हो, लाइक 21, 31, 41, 51, 61 एक्सेट्रा। थर्ड है सैम नंबर, ऐसे नंबर्स का क्यूब बनाना जिसका इकाई अंक और दहाई अंक सैम का समान है, जैसे 11, 22, 33, उनमें दोनों ही अंक समान है। और फोर्थ ट्रिक होगी डिफरेंट नंबर्स के लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं वन, तो आपका 12 का क्यूब बनाना। जब 12 का आपको क्यूब बनाना, तो नॉर्मली क्या होगा, 12 का जो इसका मीन्स आपको 12 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अक्सर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकाल देते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं स्ट्रिक का यूज नहीं करता हूँ, उसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना, तो ध्यान दें। फर्स्ट ट्रिक का यूज, ट्रिक नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट ट्रिक जिनमें नंबर की शुरुआत वन से हो, ऐसे नंबर का क्यूब बनाने के लिए आपको आगे से नंबर्स को नोट कर लें। फर्स्ट वन, सेकेंड नंबर टू, और थर्ड पर करना क्या है कि सेकेंड नंबर जो है इसका स्क्वायर करना है, और फिर इसी का क्यूब करना है। एट टू का स्क्वायर, अगर टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू का फोर, और टू का क्यूब, टू टू का फोर और टू का एट। क्लियर हो गया होगा दोस्तों इतना। अब आपको फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, इन दोनों पर डबल कर दो, टू का डबल फोर और फोर का डबल एट। इसे आप कर देते हैं प्लस, तो आपका आंसर एट एट फोर ट्वेल्व कैरी ओवर वन, तो इट विल बी सेवन और ये वन का वन। तो ये दोस्तों आपका ट्वेल्व का क्यूब बन गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बात फिर देखें, तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड नंबर को सेम नोट डाउन कर लेना है, देन सेकेंड जो आपका डिजिट है उसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू टू का फोर, फिर टू का क्यूब, टू टू का फोर, फोर टू का एट, फिर फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ करके बीच के जो टू डिजिट इसमें आए हैं उनको आपको डबल करना है, फोर का डबल एट, टू का डबल फोर, देन प्लस करना है, फोर एट का एट आएगा, फोर एट ट्वेल्व कैरी ओवर वन, वन स्कूल थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, देन वन का वन। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में आप देखें 13, 13 का आप बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 13 के क्यूब के लिए वन और थ्री को नोट कर लिया, फिर इस नंबर का स्क्वायर, तो थ्री थ्री का नाइन, इसका स्क्वायर आया नाइन, और फिर इसी नंबर का क्यूब बनाना है नंबर 27। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना,
बीच वाले नंबर्स का डबल करना, 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18। अब इसको कर देना प्लस, तो होगा कितना 7, 2 इसको कह दिया 11, 11 प्लस 18 29, 29 का 9 कैरी ओवर 2 इसको दिया 5, 6 11 कैरी 1 उसको दिया दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक और हम इसका नंबर ले लेते हैं, क्यों बनाना जिसका इकाई अंक एक, जैसे 21, 31, 41 ऐसे नंबर इसमें हम देंगे। इसमें आपका फर्स्ट हम देखते हैं 21, 21 का क्यूब बनाना है तो आपको मीन्स 21 थ्री टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब बनेगा। लेकिन आपको लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करते हुए हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो करना क्या है, अभी आपने आगे से नंबर नोट किया था लेकिन अब बैक से नोट करना शुरू कर दिया। इसमें हम कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर लिया 1, सेकेंड नंबर लेंगे 2, अब आपको 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का क्यूब 8। अब क्या करना है कि बीच वाले फर्स्ट और लास्ट डिजिट को छोड़ करके बीच वाले डिजिट का आप कर देंगे डबल, 2 का डबल होगा 4 और 4 का डबल 8, इसको कर देंगे प्लस, होगा 1, 6, 12 को कैरी 1 इसको दिया बिना 9, तो ये आ गया आपका क्यूब ऑफ 21, यानी कि इसका घन आपका इजीली आपने फाइंड कर लिया। अब दोस्तों हम इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, 21 के प्लेस पर इस नंबर को हम ले सकते हैं 31 या 41, दोनों में से आपको बता देता हूँ, जैसे कि 31 के ले लेते हैं। 31 का क्यूब बनाओगे तो आपको करना क्या, पहले बैक 1, यहाँ पर 3, अब आपको 3 का स्क्वायर ये 3 या 9 और 3 का क्यूब 27। तो दोस्तों आपको इन फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है, अब इसका डबल 6 और इसका डबल 18 इसको कर देंगे प्लस, होगा 1, 9, 27 कैरी और 2 बचा इसको दिया तो कर दिया 29, ये आंसर होगा 31 का। ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर 41 का भी देख लेते हैं। 41 का क्यूब जब बनाया जा रहा है तो फिर ध्यान दें दोस्तों, 41 आपको बैक नोट करना है 1, फिर आपको नोट करना है 4, अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, फर्स्ट क्यूब और लास्ट उनको छोड़ इसका कर दें डबल, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, इसको कर देंगे हम क्या प्लस, 1 का 1, 8 4 12 कैरी 1 ये होगा 48, 149 कैरी 4 और उसको दिया हो गया कितना 64 प्लस 4 68, ये आपका आ गया आंसर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। जब आपके नंबर सेम हो, जब नंबर कैसे हो सेम हो, तो ऐसे केस में आपको लाइक 11, 11 का क्यूब बनाने के लिए आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट नंबर आप नंबर को क्या करते हैं 1 का क्यूब बना दें, तो 11 के क्यूब में फर्स्ट नंबर 1 का क्यूब 1 होगा तो 4 टाइम 1 होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके बीच वाले नंबर को कर लें डबल और इसको करते क्या प्लस, हो जाएगा 1 3 3 1 इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट
22 का देखते हैं। जब 22 का क्यों बनाना है तो इसमें आप देखें 22 में फर्स्ट आपको क्या करना है, 2 का क्यों बनाना है, 2 का 4 4 का 8, तो 4 टाइम आपको लिखना है क्या 8। अब आपको फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है, बीच वाले नंबर को करना है डबल और इसको प्लस कर देना है, तो आंसर होगा 8 आया, 24 का 4 कैरी ओवर 2 होगा 8 और 10 प्लस 16, 26 कैरी 2 इसको दिया 2 हो गया कितना 10। ये आपका आंसर बन गया 22। अब हम देखते हैं कौन सा यहाँ पर डिफरेंट नंबर का जब क्यूब आप बनाते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब, आप इसके थ्रू आप इसे बना लेंगे। तो यहाँ करना क्या है कि फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब बनेगा 8, इसका क्यूब बनेगा क्या 3 3 9 127, ठीक कैसे ए का स्क्वायर 2 का 4 और 4 सॉरी फर्स्ट इसका क्यूब आपने लिया 2 का क्यूब 8। अब आपको क्या करना है ए का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2 का 4, फिर आपको बी यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 का 12। ऐसे ही इसमें आपको क्या करना है कि पहला वाला नंबर इसका स्क्वायर कर दें 3 3 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें 9 3 18। अब आपको लास्ट वाले नंबर का क्यूब लेना है ओवर 27, इसमें फर्स्ट और लास्ट को आपको छोड़ना है और इनका कटेंगे का डबल, तो इसका डबल 24 और 18 का डबल 36, इनको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाए 7। तो इसको दिया होगा कितना 18 प्लस 2 20 20 और 36, तो होगा 56 6 लिया, यहाँ आपके पास कैरी बचा 5 5, इसको देंगे होगा कितना 17 17, को इससे प्लस करना है 17 प्लस 24, तो आगे 30 और 7 4 11 यानी कि होगा 40 का, तो आपने लिया क्या 1। अब आपका कैरी बचा क्या 4 4, देंगे इसको हो जाएगा 8 4 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर, यहाँ पर आप 33 करते तो 33 का आप ले सकते हैं, सॉरी ये 33 आपका सेम नंबर आ गया, हमें कौन से डिफरेंट नंबर है, डिफरेंट नंबर में यहाँ पर 26 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पहले आप लेते हैं इसका 26 के यहाँ पर 24 तो 24 का क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसका क्यूब 8 और इसका क्यूब 64, बीच में इस नंबर का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दें 2 2 4 और 4 4 16, ये आ गया। अब आपको बाद वाले नंबर का स्क्वायर करो 4 4 16 और मल्टीप्लाई कर दें 2 2, तो ये होगा 32 और 16 और 16 2 32। अब आपको क्या करना है फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके इसको डबल कर दें, तो ये होगा 32 इसका 64, इन सब को कर दें प्लस 4 आया। अब आपको 6 6 2 38 38 और 64 को प्लस करना है
देखो ये आपका 60 और 30 होगा 90, यहाँ पर 8 और 4 12, 90 प्लस 90 तो ऑलरेडी आगे का हो चुका है आपका, अब यहाँ 12 हुआ तो ये आपका नंबर बनेगा कितना, 12 यानी कि 102 का आपने लिया, कैरी आपके पास बचा देना 10 इसको देंगे होगा कितना 26 और 32 को प्लस करना है तो 20 और 30 56 8, ये आपका नंबर होगा 50 है लिखा 8 कैरी 5 इसमें प्लस कर दें होगा 8 5 13, ये नंबर हो जाएगा 13, ये आंसर होगा 13 800 24। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम किसका, एक नंबर ले लेते हैं 34 का, 34 का क्यूब बना तो पहले आप इसका क्यूब बनाएं 427, फिर लास्ट में लिखें इसका क्यूब 64, फिर इसका डबल इसका स्क्वायर 3 9 9 हो गया 36, यहाँ 4 हो गया 16 थ्री जा 48। अब लास्ट वाले इस नंबर को करना है डबल, ये नंबर बन जाएगा इसका डबल 48 का डबल 96, 36 का डबल 7 प्लस करना है तो ये होगा 4, इसको दिया तो बना कितना 48 प्लस 6 54, 54 में 6 प्लस किया 60 और 90 ये होगा 150 का दिया 0 कैरी 15 बचा 15 इसको दिया। अब आपको करना क्या है कि आगे आ रहे के नंबर 10 30 40 प्लस 70 30 प्लस 70 110। अब लास्ट वाले जो नंबर होंगे 6 5 11 और 30, अब क्योंकि 110 आपका बचा हो यहाँ पर जो इतना 30 तो 123 कैरी आपके पास बचा कितना 12 इसको आगे दिया तो प्लस करने के बाद आपका नंबर आ जाएगा ये 39, ये आंसर आपका बन जाएगा 39304। अब लास्ट और इसका नंबर आप चेक करने के लिए आपके लिए है, आप इसका 35 का भी सेम वीडियो आप बना करके देखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही शानदार ट्रिक्स इसमें बताई गई है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, इससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकते। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।